हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है प्रकाश और आप सभी का स्वागत है प्रकाश चौहान यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप लोग एक लैपटॉप के साथ दो मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना स्किप कर इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, ये जो चीज है वो उन लोगों को काम आएगी जो लोग दोस्तों गेमिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं या फिर दोस्तों ब्लॉगिंग करते हैं। यानी कि दोस्तों, वो एक टास्क को एक स्क्रीन में करेंगे और दूसरे टास्क को दूसरी स्क्रीन में और तीसरी स्क्रीन का जो यूज करना है वो कर सकते हैं। तो आप लोग दोस्तों अगर ये सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। और दोस्तों, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को क्लिक कर दो। अब चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। दोस्तों, लैपटॉप के साथ दो मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपके लैपटॉप में कौन कौन से पोर्ट दिए गए हैं। अगर आपके लैपटॉप में दोस्तों HDMI पोर्ट और VGA पोर्ट है तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको क्या करना है, केवल HDMI केबल की मदद से अपने मॉनिटर को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर देना है और VGA केबल की मदद से दूसरे मॉनिटर को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग आसानी से ये कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, बात यह आती है कि अभी के जो लैपटॉप आते हैं उसमें केवल एक ही HDMI पोर्ट मिलता है, उसमें दोस्तों VGA पोर्ट नहीं मिलता है। तो क्या करें, तो दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन आपको एक USB टू VGA कन्वर्टर मिल जाएगा। उसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसकी मदद से दोस्तों आप लोग अपने लैपटॉप में USB जो पोर्ट आता है उसमें लगा के कन्वर्टर को और VGA केबल की मदद से आप लोग दोस्तों मॉनिटर को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और ट्रिपल स्क्रीन का दोस्तों आप लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको आगे क्या करना है, क्योंकि आपको सेटिंग भी करनी पड़ेगी तब जाके दोस्तों आप लोग ट्रिपल स्क्रीन का यूज कर पाओगे। अभी दोस्तों मेरे पास USB टू VGA कन्वर्टर नहीं है, इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को ये तरीका एक ही स्क्रीन में करके दिखाऊंगा, एक ही मॉनिटर में। लेकिन दोस्तों आप लोग इस तरीके से डुअल मॉनिटर में भी कर सकते हैं। तो बिना स्किप करे वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं कि आपको आगे क्या करना है, कौन सी सेटिंग करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा लैपटॉप रखा हुआ है और पीछे दोस्तों दो मॉनिटर रखे हुए हैं। तो अभी मैं आप लोगों को केवल एक ही मॉनिटर में करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों अभी हमारे पास USB टू VGA कन्वर्टर नहीं है, वरना मैं आपको दूसरे मॉनिटर को भी कनेक्ट करके दिखा देता। लेकिन दोस्तों, वो भी सेम तरीका है, आपको केवल यही करना है जो भी मैं आपको इस मॉनिटर में बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग दोस्तों USB टू VGA कन्वर्टर ले लेते हो तो आपको केवल दोस्तों आपके लैपटॉप में जो यहाँ पर USB पोर्ट मिल जाएगा, तो आप लोग दोस्तों उस कन्वर्टर को यहाँ पर लगा के VGA केबल को उसके अंदर कनेक्ट करके अपने मॉनिटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको इस मॉनिटर में करके दिखाने वाला हूँ। इसे दोस्तों मैंने HDMI केबल से कनेक्ट किया हुआ है। ये रहा दोस्तों HDMI केबल। अभी दोस्तों मैं इसको अपने लैपटॉप में लगाने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो, ये रहा HDMI पोर्ट। तो यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। और दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैंने यूज़ नहीं किया है तो थोड़ा सा इशू हो सकता है। अभी मैं यहाँ पर इसको भी लगा देता हूँ और मॉनिटर को दोस्तों मैं कर देता हूँ स्टार्ट। तो यहाँ पर दोस्तों लाइट आई और आप लोग देख सकते हो कि दोनों दोस्तों कनेक्ट हो चुके हैं बहुत ही इजी तरीके से। आप लोगों के सामने दोस्तों यही सेम चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी बड़े मॉनिटर में। अगर आप लोगों के पास दोस्तों USB टू VGA कन्वर्टर है या फिर ऑलरेडी आपके लैपटॉप में दोस्तों वो पोर्ट है VGA का, तो आप लोग डायरेक्टली इसमें इस तरीके से ही कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने HDMI केबल को कनेक्ट किया हुआ है। सबसे पहले तो दोस्तों, आप लोग पहली बार कनेक्ट करोगे तो ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा। कैसा ऑप्शन आएगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही दोस्तों आप लोग पहली बार कनेक्ट करोगे तो दोस्तों कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। आप लोग देख सकते हो कि एक स्क्रीन चालू होगी और दूसरी स्क्रीन बंद होगी, तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा, नो सिग्नल का दोस्तों ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, आपको दोस्तों आपके लैपटॉप में क्लिक करना है Windows + P को एक साथ में दोस्तों क्लिक करना है। आपको क्लिक करते दोस्तों एक विंडो ओपन होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको एक्सटेंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप लोग तीनों स्क्रीन यूज़ करना चाहते हो अलग अलग तरीके से, तो आपको दोस्तों यहाँ पर विंडोज़ टू एक्सटेंड पे क्लिक करना है। और आप लोग दोस्तों देखिएगा कि उसमें भी ये चालू हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, हो चुके हैं दोस्तों दो मॉनिटर। अभी दोस्तों ये एक्सटेंड है, अगर आप लोग तीनों को यूज़ करना चाहते हो, अगर डुप्लीकेट यूज़ करना चाहते हो जैसा इसमें है वैसा उसमें ही दिखना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको डुप्लीकेट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये दोस्तों चालू है, अब यहाँ पर डुप्लीकेट भी आपको देखने को मिल जाएगा सेम टू सेम। तो ये तरीका है दोस्तों, आप लोग इस तरीके से अपने दो मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हो। केवल आपको यहाँ पर VGA पोर्ट चाहिए आपके लैपटॉप में। अगर VGA पोर्ट नहीं है तो USB टू VGA कनेक्टर ले लीजिए और VGA केबल की मदद से तीनों मॉनिटर को आप लोग साथ में चलाएं। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको मॉनिटर को इस तरह लगाना है
कि पहला मॉनिटर, दूसरा मॉनिटर, तीसरा मॉनिटर। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं एक्सटेंड पे क्लिक करता हूँ, एक्सटेंड पे मैंने क्लिक किया तो माउस कहाँ से वहाँ पर जाएगा वो हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि माउस, माउस को आप लोग देख लीजिए, माउस का जो एरो है, तो ये रहा दोस्तों माउस का एरो। जैसे कि दोस्तों मैं इसको इस साइड में ले जाता हूँ तो माउस का एरो दोस्तों वहाँ से निकलेगा इस साइड से, लेकिन आगे, इसके आगे नहीं जाएगा। दोबारा से हमें दोस्तों इस तरह से लाना पड़ेगा। तो अगर हम लोग दोस्तों पहली स्क्रीन को करना चाहते हैं, पहले उसको यूज़ करना चाहते हो और हमारा माउस का एरो वहाँ से, जैसे कि दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि दोस्तों हमारा माउस का एरो है तो हम लोग इस साइड में लेके जाएँ तो यहाँ से वो जाके इस स्क्रीन से निकले, लेकिन क्या करना पड़ेगा। तो आपको दोस्तों आना है यहाँ पर सेटिंग में, और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको माउस में राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डिस्प्ले सेटिंग पे क्लिक करना है। नीचे आपको जो डिस्प्ले सेटिंग मिलेगी उस पर आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने डिस्प्ले के दो ऑप्शन आएंगे। तो दोस्तों जो सेकेंड वाली स्क्रीन है उसे आपको उठा के आगे लेके जाना है और आपको यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए तो आप लोग देखिएगा कि दोस्तों जैसे ही दोस्तों आप लोग माउस का एरो आप लोग इस साइड में लेके जाओगे तो वहाँ से निकलेगा। अभी दोस्तों ये रहा माउस का एरो जिसको मैं इस तरह से लेकर आऊँगा, तो यहाँ से दोस्तों ये माउस का एरो इधर से निकलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग सेटिंग कर सकते हो और अपने लैपटॉप के साथ डुअल स्क्रीन मॉनिटर लगा सकते हो। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना, और जो भी लोग दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कमाल के वीडियोस यहाँ पर लाता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और बड़ी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।